Assalamu alaikum, good morning and a very warm welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine and living at your best. So my today topic of discussion is MD CAT, which is now MD CAT by the new PMC polices. तो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन सिचुएशन चल रही है थ्रू आउट द पाकिस्तान अबाउट द MD CAT. Although PMC सारी सिचुएशन को जो है वो फॉल्स अक्यूज़ कह रही है, वो डिनाई कर रही है कि इस तरह की कोई बात नहीं, आउट ऑफ कोर्स चीज़ें नहीं आ रही, सब चीज़ें मैनेज हैं, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन PMC के इश्यूज नहीं हैं. आज हम बात करेंगे कि आप इस सिचुएशन में आप मज़ीद आगे क्या कर सकते हैं. अगर आपने अपना MD CAT दे दिया है और आप 65% सिक्योर नहीं कर सके हो या आप उसे पास कर नहीं सके, तो अब आप मज़ीद आगे क्या कर सकते हो. देर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स. शुड दे रिपीट, अब उनको आगे टेस्ट और देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, उन्हें मेडिकल फील्ड को क्विट कर देना चाहिए. सो वन बाई वन आई विल टॉक अबाउट द एवरी ऑप्शन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे नम्स कैट के बारे में, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज कंडक्ट करवाती है. इस साल ये टेस्ट 3 अक्टूबर को हो रहा है. अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इस टेस्ट को देने का क्या फ़ायदा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू नम्स यू मस्ट हैव 65% मार्क्स इन योर MD CAT. सो आई विल टेल यू ऑल के नाम्स का टेस्ट से आपको फ्यूचर में क्या फ़ायदा हो सकता है और आपको आगे अपना फ्यूचर बेटर करने में क्या हेल्प मिल सकती है और आप इस टेस्ट को यूटिलाइज़ करके क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं. सो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो 65% पॉलिसी है, 65% मार्क्स वाली पॉलिसी, वो सिर्फ MBBS और BDS के स्टूडेंट्स के लिए है, इसके अलावा नहीं है. तो इस बात से आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि ये टेस्ट सिर्फ आपको MBBS और BDS में एडमिशन लेने के लिए हेल्प नहीं करता, बल्कि आपको और से बहुत से प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन लेने में हेल्प आउट करेगा, ना सिर्फ नम्स की अपनी यूनिवर्सिटी में, बल्कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो नम्स से एफिलेटेड हैं. इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नम्स से एफिलेटेड हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं और अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी आपको पसंद है क्या वो नस से एफिलेटेड है, तो वो आपको टेस्ट उसके लिए देना पड़ेगा. सो द सेकेंड पॉइंट कि नम्स का हर साल अपना अलग से क्राइटेरिया होता है, जो कि PMC से डिफरेंट होता है. तो पिछले साल का कुछ क्राइटेरिया इस तरह से था कि 50% नम्स के मार्क्स, 30% MD CAT के और 20% FSC के. सो इन द केस अगर आपके मार्क्स MD CAT में या FSC में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो भी आप नम्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो यू स्टिल हैव अ चांस टू गेट योर सीट. अब एक और बारे में बात करते हैं कि नम्स एक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, जो कंप्लेंट स्टूडेंट्स को PMC से हैं. इस तरह के कोई इश्यूज नम्स में नहीं आते. नम्स की वेबसाइट पे आपको एक कंप्लीट पेपर पैटर्न, मार्क्स, सब्जेक्ट्स, सिलेबस, हर चीज़ की मिन्यूट डिटेल मिल जाएगी. और एक एडिशन अब तो नम्स ने प्रैक्टिस बुक भी लॉन्च कर दी है, जो कि उनकी MCQ बुक है. उसको आप अपने घर में डिलीवर भी करवा सकते हैं ऑफ 1500 रुपीज़. तो अगर आप एक प्रैक्टिस के लिए उस बुक को देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं, अगर आप विलिंग हैं तो. इन सब चीज़ों की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं. अब इस टेस्ट के लिए जो बच्चे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं वही इसको टेस्ट दे सकते हैं, बिकॉज इसकी रजिस्ट्रेशन अब ख़त्म हो चुकी है. लेकिन मैंने बहुत से बच्चों को ये कहते हुए सुना कि हमारे अब MD CAT में अच्छे स्कोर नहीं आए, तो हम अब ये टेस्ट नहीं देते, अब कोई फ़ायदा नहीं है. लेकिन अभी तक PMC के इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए हैं, तो एट लीस्ट जब तक आपको एक स्कोर प्रॉपरली नहीं मिल जाता, तब तक आप कोई भी डिसाइड ना करें कि आप फेल हो गए हैं, अब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. नहीं, अगर PMC इसको रिकंडक्ट करवाती है तो बहुत अच्छी बात है, या अगर वो रिज़ल्ट को ही रिकन्सिडर करती है और आपके परसेंटेज इम्प्रूव हो जाते हैं, तो फिर आपको बाद में अफसोस ना हो कि ये टेस्ट मैंने क्यों नहीं दिया और अब मेरा क्राइटेरिया बन रहा है, लेकिन मैंने नम्स का टेस्ट नहीं दिया, तो दैट्स वाई आई एम नॉट एलिजिबल. तो फिर आपको बाद में इस बात का अफसोस होगा. ओके, सो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज़ NAT, स्टैंड्स फॉर द नेशनल एम्पलीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड बाई द NTS, नेशनल टेस्ट सर्विसिंग. दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. अगर आपने पहले कभी अपने सेकेंड ऑप्शन के बारे में नहीं सोचा था, तो अब आप ज़रूर सोच सकते हैं, बिकॉज NTS इज़ नॉट ओनली एफिलेटेड विद द मेडिकल यूनिवर्सिटीज, इसके अलावा वो और भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, जिनके बारे में अब आप सोच सकते हैं. NTS इज़ अ फुली ऑर्गेनाइज टेस्ट. इट इज़ कंडक्टेड मैनी टाइम्स इन अ ईयर. देयर वेबसाइट हैव अ होल डिटेल अबाउट एवरी माइक्रो एंटिटी
एज यू कैन सी इन द वीडियो, देयर मार्क्स, सब्जेक्ट्स, सिलेबस, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज, जो भी क्यूरीज एक स्टूडेंट्स की हो सकती हैं वो सब इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. तो मेरी 100% रिकमेंडेशन है टू NTS, आप इसको ज़रूर ट्राई करें. अगर आपका मेडिकल में हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होता तो भी ये आपको बहुत सी और फील्ड्स में काम आएगा. ओके, वन थिंग आई वांट टू मेंशन कि NTS का टेस्ट जो है वो आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए देते हो, तो ये साल में काफ़ी दफ़ा कंडक्ट होता है. अगर आपका बाद में किसी और फील्ड में जाने का प्रोस्पेक्टिव हो जाता है तो आप उसके लिए भी दे सकते हो, आप आराम से इसको दे सकते हो, कोई इतना डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं है. सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. तो अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में, उन स्टूडेंट्स की जो रिपीट करने के बारे में सोच रहे हैं. तो उन्हें मेरी फर्स्ट सजेशन यही है कि आप पहले जो फर्स्ट टू ऑप्शन हैं उनके बारे में सोचें, और एट द एंड अगर आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई सेटलमेंट नहीं हो जाती और आप फिर भी डिसाइड करते हैं कि आपने रिपीट ही करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस बेसिस पे रिपीट करना है, कौन से लोग हैं जो उनको रिपीट करना चाहिए, कौन से लोग हैं जिन्हें रिपीट नहीं करना चाहिए, जो आपके आने वाला एक पूरा साल है, 365 डेज हैं, उनको आप कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और आपने जो अपना साल इन्वेस्ट किया है उससे आपने मज़ीद फ़ायदा क्या लेना है जो कि आप इस साल नहीं उठा सके. तो इस पर मैं एक पूरी कम्प्लीट वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला वेरी सून. होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. अब काफ़ी हद तक सिनेरियो आपके लिए क्लियर हो गया होगा, बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन सो आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए और कुछ भी आपका मिस ना हो जाए. सो अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट.